कैसे हो? हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल बोलते हैं इस ब्लॉग में। और आज जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि आप लोगों के लिए एक सरप्राइज देगा, तो वो सरप्राइज देख सकते हो आप लोग चारों तरफ देखिए। तब तक मैं डोर बंद करके आता हूँ, आवाज कर दो। आप लोगों को बताया था कि एक सरप्राइज, यही सरप्राइज है। हम लोगों ने इतना मेहनत करके अपना एक घर ले लिया, जैसे कि मैंने बताया 15 साल हम लोग उस सैलून में थे, पिछले वीडियो में बताया, और उसके बाद में 7 साल रेंट पर रहे, तो पूरा टोटल हम लोगों को 22 साल हो गया। तो 22 साल के बाद सपना पूरा हुआ घर खुद का ले लिया। तो खुद का घर लेने का सपना मेहनत करने के बाद बहुत ही अमेजिंग और अलग होता है। और आप लोगों को एक बात बता दूं कि ये फ्लैट मैंने 4 साल पहले बुक किया था, लेकिन बनते बनते लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन के बाद में फिर वापस से आप लोगों को पता ही कितना बीच में प्रॉब्लम, इसकी वजह से काफी डिले हो गया। और ये जो मिलने वाले 2 साल में, वो 2 साल में 4 साल हो गया। तो चलो कोई बात नहीं, फाइनली हम लोग को हमारा घर तो मिल गया। तो चलिए आप लोगों को मैं घर दिखाता हूँ। तो अभी फिलहाल हमें मिली है चाबी, चाबी में आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये देखिए, अभी हम लोग को मिली है सिर्फ चाबी, और अभी घर का फर्नीचर बाकी है। लेकिन उसके पहले मैं आप लोग को मेरा घर दिखा देता हूँ, घर टूर करा देता हूँ, फिर उसके बाद में जो फर्नीचर होगा तो वो भी ब्लॉग आएंगे, कैसे क्या बना रहा हूँ वो भी ब्लॉग, सब टोटली आप लोगों को डिटेल में मैं आप लोगों को वीडियो दिखाऊंगा। तो पहले रख देता हूँ, तो चलो शुरुआत करते हैं हम यहाँ से। तो ये देख सकते हो, जाइए जाइए पीछे जाइए, ये देखिए, ये है अपना टीवी यूनिट जो कि यहाँ बना हुआ है। सोच के रखता हूँ, अभी फर्नीचर लाया था, उससे हम लोग भी बात की कि कैसे क्या रहेगा, तो अभी डिस्कस हुआ, तो मैं जो डिस्कस किया वो आप लोगों को बता देता हूँ। ये टीवी यूनिट जो कि यहाँ पर रहेगा, देन यहाँ पर मंदिर रहेगा। मंदिर होने के बाद में सोच रहे हैं कि पीओपी वगैरह कराया जाए, लेकिन पीओपी वगैरह में तो मुझे सीलिंग काफी अच्छा लग रहा है। तो आप लोग कमेंट्स में बताना कि मुझे पीओपी कराना चाहिए कि नहीं। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पर मेरा, तो आप लोग जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पर मेरा दूसरा मास्टर बेडरूम है। तो मास्टर बेडरूम ये देखिए, मास्टर बेडरूम आप लोग देख पा रहे हो ये, और यहाँ से है मास्टर बेडरूम की बालकनी। और बालकनी से आप लोग देखिए, आप लोग को शायद से यहाँ का कुछ जो यहाँ के लोग उनको पता होगा। तो देखो जरा यहाँ पे मेरी तरफ से घुमाना, तो आप लोगों ने शायद से यहाँ का देखा रहेगा जो बाहर के एरिया में दिखा रहा हूँ। तो ये हो गई बेडरूम की बालकनी, अभी आप लोगों को हॉल की बालकनी में दिखाता हूँ। तो बेडरूम की बालकनी छोटी है, देख सकते हो नीचे, ज़्यादा बड़ी नहीं है, यहाँ कुछ 2 फुट की रहेगी। अब आप लोगों को मैं दिखाता हूँ हॉल की बालकनी। देखिए उससे पहले मास्टर बेडरूम है, तो उसका वॉशरूम यहाँ पर है, यहाँ पर डोर के पीछे पता ही नहीं चलता, यहाँ पर वॉशरूम है देख सकते हो। ये यहाँ पर रखा हुआ शॉवर वगैरह, बेसिन ऊपर लॉफ है, यहाँ पर मेरा बेसिन वगैरह है। और अब चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जो हमारा हॉल है उसका बालकनी। तो उसकी बालकनी थोड़ी सी बड़ी है, थोड़ी सी क्या देख सकते हो, यहाँ पर काफी बड़ी है, इतना देख लो। यहाँ पे अच्छा खासा हम लोग समझो कि छोटा मोटा एक गार्डन बना सकते हैं, ऐसा लग रहा है आप लोग को। गार्डन बनाने के लिए काफ़ी स्पेस मिल जाएगा यहाँ पर, और यहाँ से आप लोग देख सकते हो व्यू काफ़ी अच्छा है। जूमिंग करना जरा व्यू के लिए, यहाँ पर ये देखिए, ये मेट्रो मॉल का ये जो बिल्डिंग दिख रहा है, मेट्रो मॉल वाली बिल्डिंग है, इसके नीचे मेट्रो मॉल है, और उसके बाद में बाकी सब स्टॉल वगैरह है। तो आप लोग खुद बताना कि ये कहाँ का एरिया मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, ये मैंने कहाँ लिया, तो मैं एड्रेस नहीं बताऊँगा, आप लोग को ही बताना है कि ये बिल्डिंग कहाँ पर है, किसके नियर बाय बिल्डिंग है, ठीक है। तो बालकनी कैसी लगी ज़रा बताना, यहीं से लेंगे हम हमारा थंबनेल, ये बेहतरीन थंबनेल आएगा, है ना। ओके, तो अब हम आपको ले चलते हैं हमारे किचन में, तो आ जाइए किचन में, कम ऑन जसवीर। ये देखिए मेरी किचन, यहाँ पे पानी वगैरह का सिस्टम लग चुका है, ये नल वाला पानी, बोरिंग का, ये सब लग चुका है। फर्नीचर जैसे कि आप लोग बताया, बाकी देख सकते हैं किचन अभी तक कुछ नहीं बनाया, तो पूरा खाली है। और ये हमारा किचन की छोटी सी बालकनी, किचन की ये छोटी सी बालकनी जो कि ग्रिल लग चुके हैं, अभी ग्रिल हमारे बाकी के बालकनी में भी लगाना है,
और मैं क्या कर सकता हूँ एडवांस आप लोग बताना मुझे, थोड़ा गाइड करना दोस्तों। अब चलते हैं हमारे कॉमन पार्ट बेडरूम। कॉमन बेडरूम जैसे कि देख सकते हो नॉर्मल सा मिलता है, 6x6 का बेड आ जाएगा और बाकी का स्पेस थोड़ा बहुत धोने के लिए बाकी का आराम मिलता है। और ये हमारी आ गई बेडरूम की बालकनी, जो कॉमन बेडरूम है वहाँ की बालकनी। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को एक मेन रोड दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए मेन रोड दिख रहा होगा, ये कौन सा रोड है आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, जो भी यहाँ के रहने वाले हैं वो बता सकते हैं जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अंदर की तरफ, आ जाओ। तो ये है हमारा कॉमन वॉशरूम, कॉमन वॉशरूम है। तो पूरा तो घर मैंने आप लोग को जहाँ तक लग रहा है कि दिखाई दिया है, बस अब फर्नीचर होने के बाद में कैसा लगेगा वो तो फर्नीचर होने के बाद ही पता चलेगा। तो जैसे कि सरप्राइज था, यही सरप्राइज था हमारा नए घर का भी टूर दे दिया। अभी इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को सलून का टूर दिया और मेरी कुछ छोटी सी स्टोरी बताई थी कि कैसे हम लोग ने 15 साल उस सलून में निकाला और उसके बाद में फिर 7 साल फिर रेंट पे रहे और देन उसके बाद इतनी मेहनत के बाद में डैडी ने, मैंने और भी घर में बहुत लोगों ने मेहनत करके हमारी फैमिली ने एक घर ले लिया। ठीक है, चलो फर्नीचर होता रहेगा, मैं भी आप लोग को छोटे छोटे से ब्लॉग लेके आता रहूँगा और मुझे ज़्यादा करके 2 मंथ्स तो लग ही जाएंगे ये पूरा रेडी होने में भी फर्नीचर। तो थोड़े बहुत अपडेट आप लोग को मिलता रहेगा। बाकी आप लोग बताना कमेंट्स करके कि ये वीडियो मेरे जो फ्लैट है ये कहाँ पर लिया है, आप लोग को तो बाहर का दिखाई चुका व्यू वगैरह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।